hello everyone i am shalini singh and welcome back to achieve it today we are going to study the 13th chapter from home science class 12th and the name of this chapter is production and quality control in the garment industry so before starting the chapter let's have a look on the syllabus of this chapter okay so here we are ये रहा हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द गारमेंट इंडस्ट्री तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे गारमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसमें पहला है फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग लिंग एंड कटिंग ऑफ फैब्रिक असेंबली ऑफ़ द प्रोडक्ट फिनिशिंग एंड पैकेजिंग ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी अश्योरेंस इन द गार्मेंट इंडस्ट्री उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो गारमेंट इंडस्ट्री की फ़ील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्किल्स होनी चाहिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ठीक है उसके बाद है स्कोप अगर आपके पास सारी क्वालिटीज़ हैं सारी स्किल्स हैं आपके पास सारी इस फील्ड से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस भी है तो आपके लिए इस फील्ड में स्कोप क्या क्या है ठीक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में देखो अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको पता है कोविड नाइन्टीन की वजह से ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं तो 2021 के लिए सिर्फ 2021 के लिए ये चैप्टर डिलीट किया गया है ठीक है लेकिन उसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उनको पहले पढ़ लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ अपैरल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भी लर्नर्स हैं यानी कि आप लोग ये समझ पाओगे कि जो अपैरल का प्रोडक्शन होता है मास प्रोडक्शन होता है मतलब बहुत बड़े लेवल पे जब अपैरल का प्रोडक्शन होता है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है क्या महत्व होता है उसका डिस्क्राइब द स्टेजेस एंड सिस्टम्स ऑफ मास प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं होती हैं कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे उसके बाद है आइडेंटिफाई द फैब्रिक एंड गारमेंट डिफेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्शन आपको पता है बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं गारमेंट में आप कभी कपड़ा खरीदते हो तो आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिफेक्टेड पीस मिल जाता है तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये जान पाओगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है डिफेक्टेड फैब्रिक को और गारमेंट्स को ठीक है उसके बाद अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी क्वालिटी का कंसेप्ट आप समझोगे बेसिकली किस फील्ड में क्वालिटी का कंसेप्ट आपको समझना है अपैरल की फील्ड में गारमेंट की फील्ड में उसके बाद है डिस्कस करियर ऑप्शन इन गारमेंट मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसके बाद आप डिस्कशन कर पाओगे कि कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं इस फील्ड में किस फील्ड में गारमेंट मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री की फील्ड में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखो अगर हम बात करें टेक्सटाइल डेवलपमेंट की तो इंडिया में जैसे जैसे व्यापार बढ़ा जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे इंडिया बहुत आगे बढ़ा टेक्सटाइल की फील्ड में ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई फिर यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा फेमस है क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो गारमेंट होते हैं वो डिफरेंट कल्चर से इंस्पायर होते हैं जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं ठीक है ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प द ट्रेड इन मैनी वेज उसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी हुआ तो उसकी वजह से व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई अब यहां पे हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है गारमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया द गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ वन ट्रिलियन इंडस्ट्री कह सकते हो कि जो इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री है वो कितने रुपए की है वो वन ट्रिलियन इंडस्ट्री है ठीक है ओवरऑल अबाउट वन फोर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गारमेंट्स production in India goes into export markets, leaving 3/4 for domestic consumption. dekho देखो जो भी हमारा hota होता है उसका 4 kahan कहाँ chala चला जाता है हम उसको karte करते हैं बाहर mein में दूसरी mein में भेज देते हैं और थ्री फोर्थ को हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं मगर हम समझ लो जितना हमारे यहाँ गार्मेंट बना उसका वन फोर्थ हमने क्या किया बाहर एक्सपोर्ट कर दिया और थ्री फोर्थ को हम यूज करते हैं अपनी कंट्री में ठीक है द इंडस्ट्री कवर्स ओवर वन लाख अबाउट अबाउटी लाख वर्कर्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन देखो इंडिया में लगभग गारमेंट्स की वन लाख यूनिट्स हैं जहां पे सिक्सटी लाख वर्कर्स काम करते हैं और ये वर्कर्स डायरेक्टली भी काम कर रहे हैं कुछ वर्कर्स इनडायरेक्टली भी काम कर रहे हैं देखो द इनडायरेक्ट पोर्शन हेल्प्स टू सस्टेन द डायरेक्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन द शेप ऑफ आइटम्स असोसिएटेड विद द गार्मेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन विच इंक्लूड स्विमिंग एम्ब्रॉयड्री थ्रेड फ्रेम्स मशीन पार्ट्स कार्बोर्ड शेड्स एंड पैकेजिंग मटीरियल तो जैसे पता चला आपको कि जो ये हमारा इनडायरेक्ट पोर्शन होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है अब देखो इनडायरेक्ट पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें सिलाई आती है जो एम्ब्रॉयडरी बनाए जाते हैं वो आते हैं धागे धागों का निर्माण किया जाता है उसकी बात हो रही है मशीन की बात की जा रही है कि कौन कौन से मशीन यूज़ होंगी पूरे गारमेंट इंडस्ट्री में तो वो मशीन का जो डेवलपमेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं गारमेंट इंडस्ट्री में हेल्प तो कर ही रहा है उसके बाद कार्डबोर्ड शीट्स की बात की जा रही है और पैकेजिंग मटेरियल की जब भी अब कोई भी गारमेंट बन जाएगा तो वैसे ही मार्केट में चला तो जाएगा नहीं उसको पैक भी किया जाएगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है इनडायरेक्ट पोर्शन है ठीक है द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री इज रफली ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल इंडस्ट्री कंसनट्रेटिंग चीफली ऑन एक्सपोर्ट अब कहा जा रहा है कि गारमेंट इंडस्ट्री में भी हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो कि ट्वेंटी परसेंट है मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है ट्वेंटी परसेंट है और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये क्या करता है ये गारमेंट्स के एक्सपोर्ट पे फोकस करता है ठीक है यहीं से गारमेंट बाहर एक्सपोर्ट होता है बाहर जाता है एज द अपारल इंडस्ट्री इन फैश इज फैशन ड्राइविन एंड फैशन कीप्स चेंजिंग मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैव टू कोप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स आपको पता है कि अपारल इंडस्ट्री किस पे फ़ोकस करती है फ़ैशन पे जैसे जैसे फैशन बदलेगा उसका असर अपैरल इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा और आपको पता है फ़ैशन हमेशा बदलता रहता है तो फैशन के बदलने की वजह से जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इनको भी चेंजिंग ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है जैसे जैसे फ़ैशन बदल रहा है इनको उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शन में भी बदलाव करना पड़ता है

आया सामने फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो जिससे आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें फैशन में हैं कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड में हैं और उस हिसाब से आप डिमांड करते हो दे हैव मोर चॉइसेस इन क्वालिटी प्राइस एंड डिज़ाइन अब देखो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री बहुत सारी हैं। एक ब्रांड जाएगा तो दूसरा आएगा और ब्रांड्स में भी आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि वो कैसे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और कस्टमर्स भी ये देखते हैं कि कहाँ उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है अच्छा सुटेबल डिज़ाइन मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस मिल रहा है तो वो उस पर ध्यान देते हैं जहाँ उनको अफोर्डेबल गारमेंट मिलता है वही वो जाते हैं ठीक है दिस इज़ द रीज़न वाई अपैरल चेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फोकसिंग मोर ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग वैरिड रेंज ऑफ फैशन डिज़ाइंस और यही रीज़न है कि जो ये अपैरल चेन है पूरे वर्ल्ड में चल रही है जो क्या कर रही है बेसिकली फोकस कर रही है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करें साथ ही साथ फैशन डिज़ाइंस में वराइटी लाए क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको आप क्या पसंद है उनको वैरायटी पसंद है उनको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं वो एक तरह की चीज़ें ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते ठीक है अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ मास प्रोडक्शन इमेजिन ट्राइंग टू बाय अ शर्ट विथ नो स्टैंडर्ड साइज़ आप कल्पना करो कि आप एक शर्ट खरीदने गए लेकिन आपको शर्ट पर कोई साइज़ नहीं लिखा है तो आप उसको कैसे खरीदोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी शर्ट खरीदनी है अब आपको क्या करना पड़ेगा सभी शर्ट को नाप नाप के देखना पड़ेगा तभी तो आप समझ पाओगे कि कौन सी शर्ट आपके ऊपर फिट हो रही है तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि द कंज्यूमर्स और वेरर विल हैव टू बी प्रेजेंट एट ईच पर्सेज टू ट्राई ऑन डिफरेंट साइजेस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स टू डिटरमाइन द बेस्ट फिटिंग पीस फॉर हिमसेल्फ Even within the same brand and same size, each piece would have an individual fit and sizing, making purchase extremely time consuming and difficult. और होगा क्या कि सेम ब्रांड और सेम साइज का होने के बावजूद भी आपको अपनी फिटिंग का टी शर्ट या शर्ट नहीं मिल पाएगा क्यों नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस पर साइज तो लिखा नहीं है आपको उसको खड़े होके नाप के देखना पड़ेगा तब तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी साइज का है तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा ये टाइम टेकिंग हो जाएगा ठीक है टुडे यू कैन परचेज अ शर्ट एनी अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर विच यू नीड टू नो ओनली द कॉलर साइज थर्टी एट फोर्टी फोर्टी टू एक्सेट्रा ऑफ द वेअर तो आज आप कहीं पर भी रह के कहीं दूसरी जगह से भी शॉपिंग कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो अगर आपको सिर्फ कॉलर साइज पता है वेअर का तो ठीक है वर्ल्ड ओवर द ट्रेंड ऑफ परचेज ऑफ गार्मेंट्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम कस्टमाइज क्लोदिंग टेलर मेड टू रेडीमेड क्लोदिंग अब देखो जो हमारी दुनिया है वो शिफ्ट हुई है पहले क्या था पहले हम टेलर से सिलवा के शर्ट्स पहनते थे कपड़े पहनते थे लेकिन अब क्या है रेडीमेड कपड़े भी आने लगे हैं द बिजनेस ऑफ फैशन रिटेल डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम और क्वान्टिटी ऑफ गुड्स विथ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स द एरिया ऑफ प्रोडक्शन इन वर्क एंड इट्स स्टडी हैज़ गेंड इम्पॉर्टेंस देखो अब क्या होने लगा अब प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होने लगा यानी कि हर प्रोडक्ट को एक मानक दिया जाने लगा एक ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट को रखा जाने लगा डिफरेंट तरह के ब्रांड मार्केट में आने लगे और लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी लोग ब्रांड्स की तरफ भागने लगे और जिसकी वजह से ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा वर्क भी बढ़ा मतलब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलना स्टार्ट हुई और साथ ही साथ इस एरिया में स्टडी की भी इम्पोर्टेंस बढ़ी मतलब लोग इस एरिया में पढ़ाई करना स्टार्ट करने लगे लोग इस एरिया में करियर बनाना स्टार्ट करने लगे द टर्म प्रोडक्शन जनरली रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच एनी प्रोडक्ट कैन बी मेड इन मल्टीपल्स यूजिंग द सेम प्रोसेस एंड इंश्योरिंग दैट ईच प्रोडक्ट मेड इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स देखो जो ये प्रोडक्शन है इसको आप कैसे समझ सकते हो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है सेम टेक्निक का यूज़ करके कई सारे एक ही तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं जब भी एक ही तकनीक का यूज़ करके कई सारे पीसेस बनाए जाते हैं और वो पीसेस सेम होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है उसको प्रोडक्शन बोला जाता है दिस इज़ ऑल्सो रिफोर्ड टू एज मास प्रोडक्शन इसको मास प्रोडक्शन भी बोला जाता है मास प्रोडक्शन समझे जब एक ही प्रोसेस का यूज़ करके एक ही टेक्निक का यूज़ करके सेम चीज़ को भारी मात्रा में बनाया जाता है तो उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं ठीक है जैसे शर्ट एक ही ब्रांड की एक ही साइज़ की शर्ट बहुत सारी बन गई तो उसको क्या बोला जाने लगा उसको मास प्रोडक्शन बोला जाने लगा ठीक है डिड यू नो द कंसेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन यूनिफॉर्म्स फॉर द अमेरिकन सिविल वॉर एंड वर्ल्ड तो यहाँ पे डी डी यू नो में कहा गया है कि आपको पता है कि जो ये मास प्रोडक्शन था ये सबसे पहले यूज कब हुआ था उस समय यूज हुआ था जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी उस समय जो हमारे सोल्जर्स थे उनको यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए उनके लिए यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए मास प्रोडक्शन का यूज़ हुआ था पहली बार वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म्स तैयार की गई थी द स्विमिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाई एलियास होवे इन 1833. थर्टी थ्री इजाक मैरिट सिंगर एंड अमेरिकन इंजीनियर क्रिएटेड द फर्स्ट फूड ट्रेडल अब देखो ट्रेडल मशीन टूडे हिज नेम इज सिनोनियम्स विथ स्विमिंग मशीन वर्ल्ड ओवर देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो सबसे पहले स्विमिंग मशीन बनी थी वो कब बनी थी 1833 में बनी थी किसने बनाई थी एलियास होवे ने बनाई थी उसके बाद पैर से चलाने वाली मशीन आई जिसको किसने बनाया इजैक मैरिट सिंगर ने और ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे ठीक है बिफोर इन्वेंशन ऑफ द स्विमिंग मशीन ऑल गारमेंट्स वर मेड कंप्लीटली बाई हैंड जब सिलाई मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उससे पहले गारमेंट्स कैसे बनाए जाते थे हाथ से सिलके बनाए जाते थे इवन टूडे द मोस्ट एक्सपेंसिव कस्टमाइज टेलरिंग हैज़ हैंड फिनिशिंग ऑफ हैंमलाइंस फेसिंग्स बाइंडिंग्स एंड ट्रिम्स देखो आज के समय में भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं जिनको कस्टमर्स अपने हिसाब से टेलर से बनवाते हैं उनमें क्या किया जाता है उनमें जो पाइपिंग लगाई जाती है जो गोटा पट्टी होती है या जो भी उसकी कटाई छटाई होती है वो हाथ से ही होती है तो भले ही सिलाई मशीन आ गई है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी कारीगरी है एम्ब्रॉयडरी है पाइपिंग है ये सब किससे होती है हाथ से होती है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले बात की गई है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की कि जब भी हम कोई अपैरल बनाते हैं कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं किन किन स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है तो सबसे पहली स्टेज है प्रोक्योरमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ़ रॉ मटेरियल इसमें क्या किया जाता है रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है और उनका इंस्पेक्शन किया जाता है उनकी जांच की जाती है अब देखो ये जो रॉ मटेरियल है ये तुम्हारा फैब्रिक भी हो सकता है जो बटन्स हैं लेसेस हैं वो सारी चीज़ें जिप हो गया आप सारी चीज़ें इकट्ठा करते हो ताकि जब भी आप अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करो फाइनल ड्रेस तैयार करो तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाओ ठीक है फिर है लिंग एंड कटिंग ऑफ फैब्रिक मटेरियल अब क्या किया जाता है जब एक बार आप पूरा जांच कर लेते हो कि सारे जो भी रॉ मटेरियल हैं वो अच्छे ठीक ठाक हैं कि नहीं तब आप फिर फैब्रिक की कटिंग करते हो उसके बाद है असेंबली ऑफ़ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट को फिर इकट्ठा किया जाता है यानी कि प्रोडक्ट को फाइनली तैयार किया जाता है ठीक है उसके बाद है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एक बार जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया तो आप उसको फाइनल टच दोगे आप थोड़ी सी उसमें फिनिशिंग दोगे उसको फिर उसको पैक करोगे उसको कस्टमर के यूज़ के लायक बनाओगे मतलब उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी तो आप ही को है ठीक है तो प्रोडक्शन की स्टेज में आपका जो ये अपैरल है ये जो ड्रेस है ये कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, ये चीज़ भी आप ही को देखनी है तो उसके लिए आप पैकेजिंग भी करोगे ठीक है और यहाँ पे दिया है कि बिसाइड डीज देयर में बी एन एडिशनल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन तो इन चारों स्टेज़ के अलावा एक और स्टेज हो सकती है जो कि एडिशनल स्टेज है मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेज नहीं है नेसेसरी स्टेज नहीं है ज़रूरत नहीं है इस स्टेज की इसीलिए इसको एडिशनल स्टेज कहा गया है जिसका नाम क्या है वैल्यू एडिशन अब देखो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि कपड़े की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी और लागत लगा दी जाती है तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करके अलग से लेसेस लगा के गोटा पट्टी लगा के उसकी कपड़े की अच्छे से ब्लीचिंग करके क्या कर सकते हो आप कपड़े की वैल्यू को बढ़ा सकते हो ठीक है इसमें आपको थोड़ी लागत लगानी पड़ेगी थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन फिर उसकी वजह से आपको जो इनकम होगी वो भी अच्छी खासी होगी तो ये इसी को कहा गया है वैल्यू एडिशन ये कोई एक कह सकते हो ये कोई ज़रूरी स्टेज नहीं है इस ये एक एडिशनल स्टेज है अगर आप चाहो तो ये चीज़ करो ये वैल्यू एडिशन करो और नहीं चाहो तो मत करो लेकिन अगर ये आप करते हो ये वैल्यूज एडिशन वाला स्टेज अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें क्या होगा आपको लागत तो लगानी पड़ेगी लेकिन आपको लाभ भी होगा ठीक है तो उसी की बात की गई है अब ये रहा हमारा पहला स्टेज जिसका नाम क्या था प्रोक्योरमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोसेस ऑफ अपैरल मैन्युफैक्चर बिगिंस विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंस्पेक्शन और चेकिंग द सेम देखो ये जो प्रोसेस होता है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग का जब भी कोई आप ड्रेस बना रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है क्या होती है वो पहली चीज़ कि आप इकट्ठा करते हो रॉ मटेरियल्स को ठीक है उसके बाद उन रॉ मटेरियल्स को देखते हो उनका इंस्पेक्शन करते हो उनकी चेकिंग करते हो कि कहीं उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना कोई फॉल्ट तो नहीं है ना ठीक है दिस इनक्लूड्स The fabric and trims, zippers, buttons, interlining, labels, tags, etc. Fabric inspection is done to find faults or defects in the fabric. देखो ये जो फैब्रिक इंस्पेक्शन है ये किया क्यों जाता है ये फॉल्ट पता करने के लिए किया जाता है कि अगर मान लो फैब्रिक में कोई फॉल्ट है तो उसको पता कर लिया जाए क्योंकि अगर फैब्रिक में फॉल्ट होगा तो हमारा अपैरल भी अच्छा नहीं बन पाएगा आइडियली हंड्रेड परसेंट ऑफ फैब्रिक रिसीव शुड बी चेकड बिफोर इट इज़ कट तो जो हंड्रेड परसेंट चेकिंग होती है फैब्रिक की वो उसको कट करने से पहले ही चेक कर लेनी चाहिए हाउ एवर वैन द फैब्रिक इज़ प्रोक्योर्ड फ्राम अर रेलिएबल सोर्स और वैन द फैब्रिक इज़ सर्टिफाइड एज फॉल्ट फ्री बाय द फैब्रिक मैनुफैक्चर ओनली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्वान्टिटीज आर चेकड लेकिन कभी कभी ये जो होता है कि ये फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है एक रेलिएबल सोर्स से मिलता है यानी कि बहुत अच्छे सोर्स से जिस पे आप भरोसा कर सकते हो तो उस समय कोई खास चेक करने की जरूरत नहीं होती है फैब्रिक की क्यों क्योंकि जो फैब्रिक हमने लिया है वो कहाँ से मिला है एक रेलिएबल सोर्स से मिला है एक सर्टिफाइड सोर्स से मिला है तो इसका मतलब है वो फैब्रिक सही ही होगा ठीक है तो उसमें हल्का फुल्का आप बस उसकी जांच कर सकते हो अदरवाइज उसको ज़्यादा जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है अब देखो फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं फैब्रिक में फैब्रिक डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ फॉल्ट एज अब देखो कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है तो सबसे पहला है यान फॉल्ट दूसरा है विविंग फॉल्ट तीसरा है डाइंग फॉल्ट चौथा है फिनिशिंग फॉल्ट सम डिफेक्ट्स में अराइज ड्यू टू अम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डिटेल्ड अबव लेट एस ब्रीफली एग्जामिन दिस तो ये जो चारों डिफेक्ट्स दिए गए हैं इनको अब अच्छे से बताया गया है पहला है डिफेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम यान फॉल्ट यान की बात की जा रही है यानी कि धागे की बात की जा रही है धागे में भी फॉल्ट होते हैं कौन कौन से फॉल्ट होते हैं कोर्स एंड एंड फाइन एंड होता है ना कभी कभी कि कहीं कहीं पे धागा क्या हो जाता है कि मोटा पतला हो जाता है ठीक है कहीं जिसका डायमीटर है धागे का वो कहीं कम हो जाता है कहीं ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से धागे का जो साइज़ है वो अलग अलग हो जाता है और इसकी वजह से फैब्रिक हमारा खराब हो सकता है ठीक है दूसरा है फर्स्ट एंड फर्स्ट बॉल्स ये रोएं की बात की जा रही कभी कभी आपने देखा होगा कि धागे में रोएं निकले होते हैं तो अगर धागे में रोए निकले हुए हैं तो इससे भी हमारा जो फैब्रिक है वो खराब होगा तीसरा है स्लब स्लब क्या होता है गांठ जिसको कहा जाता है होता है क्या कि मान लो ये धागा है ठीक है तो इस धागे में क्या होती है कहीं कहीं क्या हो जाती है गांठ पड़ जाती है जिसकी वजह से जो ये फैब्रिक बनता है इस धागे से उसमें भी क्या आपको दिखेगा जगह जगह ऐसे कुछ उठी हुई उभरी हुई चीज़ दिखेगी ठीक है उसके बाद है डिफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम विविंग फॉल्ट जब बुनाई के समय जब आप धागे से फैब्रिक की बुनाई करते हो तो उस समय क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं देखो जब हम बात करते हैं फैब्रिक की तो फैब्रिक वॉप और वेफ्ट से मिलके बना बनता है मान लो ये कोई साड़ी है एक सेकेंड रुक जाओ हाँ मान लो ये कोई साड़ी है ठीक है बस मान लो साड़ी जैसा लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी मान लो तो इसमें क्या है कि ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं ये क्या है वाप है यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं ताना और ये जो चौड़ाई में लाइनें जा रही हैं ये क्या है ये वेफ़्ट है यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बाना तो ये जो ताना और बाना है यही मिल के क्या बनाता है फैब्रिक बनाता है आपने क्लास एलेवेंथ में इसके बारे में पढ़ा है ठीक है तो होता क्या है कि जब भी इनकी जो बीच की दूरी है वो बराबर नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि फैब्रिक पे क्या बन गई है धारी जैसी बन गई है या कभी कभी ये होता है कि ये जो लाइन ये जो ताना और बाना है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है जैसे दो ताने के धागे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए या दो बाने के धागे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो उस समय भी एक अलग से लाइनिंग दिखने लगती है फैब्रिक के ऊपर उसको बोलते हैं बार ठीक है और बार भी वही चीज है ठीक है तो ये दोनों में उसी चीज के बारे में बात की गई है फिर है बायस फीलिंग बायस फीलिंग क्या है आपको पता है मैंने भी बताया वॉप और वेफ्ट के बारे में देखो वॉप क्या होता है वॉप आपका ये जो लंबे लंबे धागे हैं इनको कहा जाता है वेफ्ट क्या है ये जो चौड़ाई वाले धागे हैं होता क्या है कि जो वेफ्ट वाले धागे होते हैं ये क्या काम करते हैं ये फीलिंग का काम करते हैं ठीक है ठीके? इनकी वजह से ही कपड़ा आपको भरा हुआ दिखाई देता है ठीक है और इनमें आपस में क्या बनना चाहिए एक राइट एंगल बनना चाहिए मतलब अगर मान लो ये वैप है ये ताने का धागा है तो ये बाने का धागा है तो आपस में इनमें एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बुनाई के समय ये धागे थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं जिसकी वजह से ये 90 डिग्री वाला एंगल टेढ़ा हो जाता है और उसके कारण भी आपका जो फैब्रिक होता है वो खराब हो जाता है तो इसको भी विविंग फॉल्ट ही बोला जाएगा ठीक है अब बॉर्ड फीलिंग भी वही है जैसे कि आप क्या है मान लो ये जो एंगल है ताना और बाना का यानी कि वेफ्ट और वाप का सॉरी वाप ये होता है लंबा वाला वेफ्ट ये होता है तो ये जो एंगल है मान लो ये टेढ़ा हो गया या कभी कभी होता है कि एंगल पूरा घूम जाता है तो उसको बॉर्ड फीलिंग भी बोलते हैं टेढ़ा हो गया तो बायस फीलिंग बोलते हैं ठीक है कि अगर इनमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो फैब्रिक बनेगा जो कपड़ा बनेगा वो बेकार ही बनेगा ठीक है फिर है ब्रोकन एंड्स कभी कभी होता है कि ये जो आपका वैप वाला यान होता है यानी कि जो लंबे वाले यान होते हैं बीच में से टूट जाते हैं तो इसकी वजह से भी फैब्रिक खराब हो जाता है उसके बाद है फ्लोट फ्लोट में क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे कि जो ये हमारे वाप और ये जो हमारे वेफ्ट होते हैं इनमें क्या होता है ये देखोगे आप आपस में क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं गुथे होते हैं आपस में कभी कभी होता है कि मशीन की फॉल्ट की वजह से या बुनाई में कोई फॉल्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये जो गुथे हुए होते हैं ये कहीं कहीं पे उभर जाते हैं मतलब कहीं कहीं पे ये इनमें जो ये गुथाव होता है वो नहीं हो पाता ये छूट जाते हैं तो इसको बोला गया है फ्लोटिंग कि ऐसा लगता है कि मानो आपके वॉब के धागे पे वेफ्ट वाला धागा खाली पड़ा है ऐसे रख दिया गया है उसमें आपस में उसको गूथा नहीं गया है तो इसकी वजह से भी आ, फैब्रिक आपका ख़राब हो जाता है उसके बाद है किंक किंक क्या होता है कि कभी कभी छोटे लेंथ के जो हमारे यान होते हैं जो छोटे लेंथ के धागे होते हैं अगर उनसे बुनाई की जा रही होती है तो किंक वाली प्रॉब्लम आ जाती है किंक में क्या होता है कि थ्रेड मुड़ जाता है ठीक है मुड़ जाता है या कर्ल हो जाता है जिसकी वजह से भी फैब्रिक आपका खराब हो जाता है उसके बाद है मिस रीड मिस रीड क्या होता है कि मान लो ये जो वैप वाला यान है ये जो वैप है इनमें जो स्पेस है वो इम प्रॉपर हो जाए वो बराबर न रह जाए ठीक है इनके बीच की दूरी कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए तो उस समय जो फैब्रिक हो जाता है वो खराब हो जाता है अच्छे से फैब्रिक की बुनाई नहीं हो पाती इसको मिस रीड बोलते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद बात की गई है स्मैश की देखो इसमें क्या होता है इसमें जो हमारे ये वैप है ये जो ताने वाले धागे हैं, ये किसी जगह पे एक साथ कई सारे धागे टूट जाते हैं तो उससे वहां पे क्या हो जाता है छेद बन जाता है होल बन जाता है इसको स्मैश बोलते हैं ठीक है अब है डिफ़ेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम डाइंग फॉल्ट जब कपड़े को कलर कर रहे होते हैं तो उस समय भी कभी कभी डिफेक्ट्स हो जाते हैं उस समय भी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है वो डिफेक्टेड हो जाता है तो देखो डाइंग फॉल्ट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं पहला तो है कलर रन दूसरा है शेडेड होता क्या है कि कभी कभी कलर इतना गंदे तरीके से किया गया होता है कि एक जगह का कलर दूसरे जगह में जाके मिल जाता है ठीक है इसको बोलते हैं कलर रन और कभी कभी क्या होता है कि कलर या बीच ऐसे किया जाता है कि बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे धब्बे टाइप के आपको दिखने लगते हैं तो उसको बोला गया है शेडेड तो इनकी वजह से भी आपका फैब्रिक खराब हो जाता है फिर है डिफेक्टेड अराइजिंग फ्रॉम फिनिशिंग फॉल्ट अब जब आपका फैब्रिक बन गया तो आप जब उसमें फिनिशिंग देते हो तो उस समय भी डिफेक्ट आते हैं जिसमें पहला है बैगी और फैब्रिक विच विल नॉट लाई फ्लैट ऑन द कटिंग टेबल होता है कि फैब्रिक बन गया लेकिन वो बैगी हो जाता है मतलब क्या हो जाता है कि जब उसको कटिंग टेबल पे रखा जाता है तो वो अच्छे से रह नहीं पाता वो इधर उधर भागने लगता है टीढ़ा हो जाता है फैब्रिक ठीक है उसके बाद है चेफ चेफ क्या होता है इसको हिंदी में रगड़ बोलते हैं कभी कभी होता है कि फैब्रिक में कहीं से रगड़ लग जाती है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस का फैब्रिक क्या हो जाता है घिस जाता है ठीक है फट जाता है फिर है कट्स टीयर्स क्रीज रिंकल एंड कर्ल्ड स्लीवस अब देखो होता क्या है कि जो हमारे ये स्लेवेज़स होते हैं स्लीवज यानी कि किनारे जो फैब्रिक के किनारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं कभी कभी कट जाते हैं या उन पर कभी कभी रिंकल्स आ जाते हैं सिकुड़ जाते हैं उनकी बात की गई है फिर है टेंटरिंग मार्क्स देखो टेंटरिंग मार्क्स क्या होते हैं होता है आपने देखा होगा कि कभी कभी जब भी आप फैब्रिक लेते हो मान लो आपको कोई सलवार कुर्ता सिलवाना है और आपने फैब्रिक लिया तो आप देखोगे कि जो फैब्रिक की चौड़ाई होती है जब आप इसकी चौड़ाई को देखोगे ठीक है मान लो ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो आप जब यहाँ पे चौड़ाई के साइड पे यहाँ पे देखोगे उस फैब्रिक को तो आप देखोगे क्या है कि वहाँ पे कुछ छेद छेद बने होते हैं लाइन से आपको पूरे छेद छेद दिखे दिखते हैं फैब्रिक पे ये जो छेद होते हैं ये क्यों होते हैं क्यों क्योंकि जब मशीन में फैब्रिक को बुना जाता है उसकी विविंग होती है तो वहाँ पे उस एरिया को मशीन में फंसाया गया रहता है और जिसकी वजह से वहाँ पे छेद हो जाते हैं ठीक है तो उसको बोला गया है फिर है अन ईवन फिनिश देखते हो आप कि कभी कभी कपड़े पे कढ़ाई की गई होती है प्रिंट बनाए गए होते हैं तो कहीं कहीं पे वो कढ़ाई आपको उधड़ी हुई दिखेगी गायब दिखेगी प्रिंट भी कहीं कहीं आपको मिटे हुए से दिखेंगे तो उसको बोलते हैं अन ईवन फिनिश ठीक है तो ये तो हुआ हमारा फॉल्ट कि कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं फैब्रिक के अंदर अब हम बात करेंगे फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग की देर आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स ऑफ फैब्रिक इंस्पेक्शन विच डिफाइन द वे द फैब्रिक टू बी इंस्पेक्टेड एंड वॉट कंस्टीट्यूट्स एंड ओके फैब्रिक तो बहुत ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम्स बनाए गए हैं जो फैब्रिक को इंस्पेक्ट करते हैं यानी कि फैब्रिक की, की जाँच करते हैं और कुछ मानक तैयार किए गए हैं कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं जिनके तहत ये बताया जाता है कि अगर कोई फैब्रिक इन इन मानकों पे खड़ा उतरता है इन इन स्टैंडर्ड्स को पार कर जाता है तो वो फैब्रिक ओके होता है मतलब सही होता है ओके फैब्रिक मतलब एक अच्छा फैब्रिक जिससे आप आगे ड्रेस बना सकते हो इन ऑल द सिस्टम्स द फॉल्ट और डिफेक्ट्स इज अजाइंड पॉइंट बेस्ड ऑन इट्स साइज टाइप स्प्रेड एक्सेट्रा देखो ये जो फॉल्ट होते हैं या ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इनको किस बेसिस पे बनाया जाता है देखो कपड़े की साइज़ को देखा जाता है उसके टाइप को देखा जाता है उसके फैलाव को देखा जाता है और फिर ये पता लगाया जाता है उसके कलर को भी देखा जाता है फिर ये पता लगाया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं अगर किसी चीज़ में भी खराबी है तो उस फैब्रिक को डिफेक्टेड मान लिया जाता है और अगर ये चारों चीज़ें जैसे मतलब साइज हो गया टाइप हो गया स्प्रेड कलर ये सभी चीज़ें सब कुछ अच्छा है तो फैब्रिक को उसी आधार पे या तो एक्सेप्ट किया जाता है और अगर अच्छा नहीं है तो फिर फैब्रिक को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है ठीक है अब ये तो बात हुई इंटरनेशनल सिस्टम की कि इंटरनेशनली क्या क्या स्टैंडर्ड्स uh, बनाए गए हैं लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाती हैं कि अगर ये ये डिफेक्ट्स हुए तो हम इस फैब्रिक को रिजेक्ट कर देंगे तो हर कंपनी के लिए अलग अलग मानक हो सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि होता है कि डिमांड के आधार पे हम देखते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए तो उस हिसाब से अगर कस्टमर्स को किसी चीज़ में डिफेक्ट दिखता है फॉल्ट दिखता है तो कंपनी उस फॉल्ट को ख़त्म करने की कोशिश करती है तो इस हिसाब से कंपनीज़ अपने अपने कन्वीनियंस uh, के हिसाब से देखती हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको देखनी है एक कपड़े में कैसे वो एक कपड़े को एक्सेप्ट करेंगे कैसे उसको रिजेक्ट करेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे कहा गया है अदर देन दिस सर्टेन टेस्ट आर आल्सो कंडक्टेड टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक फॉर इट्स एंड यूज कपड़े की सुटेबिलिटी को भी देखा जाता है कि लास्टली यूज करने के लिए कपड़ा हमारा सही है या नहीं है द टेस्ट मे बी स्टैंडर्ड टेस्ट डन बाय एनी फैब्रिक मैन्युफैक्चरर और मे बी स्पेशली रिक्वेस्ट बाय द बायर ऑफ एंड प्रोडक्ट तो हो सकता है जो टेस्ट है ये फैब्रिक मैन्युफैक्चर द्वारा ही किया जा रहा हो मतलब जो लोग फैब्रिक को बना रहे हैं अगर उनकी नज़र में ये डिफेक्ट आ रहा है ये जो उनको अगर लग रहा है कि कपड़ा उनका स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो भी वो उसको डिफेक्टेड मान लेते हैं लेकिन कभी कभी ये जो टेस्ट होते हैं ये बायर द्वारा भी किए जाते हैं मान लो आपको कोई कपड़ा खरीदना है मान लो आप कोई ड्रेस डिज़ाइन करने जा रहे हो और उसके लिए आपको कोई फैब्रिक खरीदना है तो उस समय आप जाते हो और आप फैब्रिक को चेक करते हो अगर आपकी नज़र में फैब्रिक में कोई खराबी है तो आप फिर मैन्युफैक्चरर को बताते हो कि ये ये खराबी है तो बायर के हिसाब से भी देखा जाता है कि बायर को कौन कौन से फॉल्ट दिख रहे हैं ठीक है दीज स्टेट्स इंक्लूड कलर फास्टनेस होता है कि ये जो टेस्ट आप जो बायर है वो क्या देख के खरीदेगा वो देखेगा कि कलर कैसा है अगर फैब्रिक का कलर अच्छा नहीं है तो बायर ने बताया कि आपका फैब्रिक ये धुल दूल, धुलने के बाद देखो इसका कलर जा रहा है तो मैन्युफैक्चरर को पता चलेगा कि अच्छा कलर का फॉल्ट है हमें इसको सही करना है तो होता है कभी कभी जो धागे होते हैं वो अच्छे से नहीं होते हैं। फैब्रिक का जो वेट होती है कभी कभी फैब्रिक क्या होता है श्रिंकेबल हो जाता है मतलब कि सिकुड़ता बहुत तेजी से है तो वो सारी चीजें भी ये सारी चीजें कौन बता सकता है बायर भी बता सकता है जो फैब्रिक को खरीद रहा है वंस द डिफेक्ट एंड इट्स एक्सटेंट आर आइडेंटिफाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेयर रेक्टिफिकेशन इज़ चेकड एक बार जब डिफेक्ट पता चल जाता है कि अच्छा फैब्रिक में ये डिफेक्ट है और डिफेक्ट कितना ज़्यादा है कम है ज़्यादा है कैसा है तो फिर ये देखा जाता है कि पॉसिबिलिटी क्या है क्या वो फैब्रिक जो है जिसमें डिफेक्ट है उसको रिपेयर किया जा सकता है या नहीं इफ द फैब्रिक कैन बी रेक्टिफाइड इट इज़ सेंट फॉर द सेलेक्टेड प्रोसेस अगर कपड़ा सही है उसको मतलब सही किया जा सकता है उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसको ठीक किया जा सकता है तो कपड़े को सेलेक्टेड मान लिया जाता है उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाता है लेकिन अगर कपड़ा रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस में नहीं आ सकता मतलब आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते उसको सही नहीं कर सकते पॉसिबल ही नहीं है कि कपड़े को ठीक किया जा पाए तो कपड़े को रिजेक्ट कर दिया जाता है सम फॉल्ट मे बी एक्सेप्टेड इफ द एक्सटेंट इज नॉट वेरी हाई आई इट does not affect a large area of the fabric. कभी कभी कुछ fault होते हैं fabric में जिनको accept कर लिया जाता है कि चलो भैया fault है कोई दिक्कत नहीं है इससे fabric फैब्रिक sorry इससे हमारे final dress पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप भी कभी कोई fabric खरीदते हो अगर उसमें कोई fault आपको दिखता है तो आप कहते हो कि चलो ठीक है सिलवाना ही तो है इस fabric को इस इससे हमें जो dress बनानी है उसमें इस फॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है फॉल्ट अगर रहेगा भी तो भी हमारे ड्रेस पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा तो उस स्थिति में आप उस फैब्रिक को फॉल्ट होते हुए भी एक्सेप्ट कर लेते हो ठीक है समटाइम्स द डिसीजन टू एक्सेप्ट डिफेक्टेड फैब्रिक मे बी टेकन इफ द कॉस्ट एंड और टाइम इन्वॉल्व इन द रीप्रोसेसिंग ऑफ द फैब्रिक आर टू हाई टू बी एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर कभी कभी डिफेक्टेड पीस को इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है आप देखते हो कभी कभी क्या होता है कुछ दुकानें होती हैं जो डिफेक्टेड पीस को सस्ते में देती है कि चलो इस कपड़े में ये डिफेक्ट है तो मैं इसे कुछ सस्ते दाम पर बेच दूँगा तो भी कस्टमर्स उसको ख़रीद लेते हैं क्यों क्योंकि वो सस्ता मिल रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है जो ये डिफेक्ट्स होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इन डिफेक्ट को ठीक कराने में या तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा या तो प्रोसेस बहुत लंबा होगा होता है कभी कभी आपको बहुत जल्दी होती है तो आप डिफेक्टेड पीस ही ले लेते हो क्या तो चलो भैया इसको इससे ड्रेस बनवानी है मैं ड्रेस बनवा लूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना फैब्रिक इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ production as it defines the final quality of the product the cost of raw material in any garment is about 70% out of which 90% or above is that of the fabric देखो होता क्या है कि जो fabric inspection है यानि कि जो fabric की testing की जाती है वो पहला step है और बहुत ही ज़्यादा important step है क्यों क्योंकि यही से आपका फ़ाइनल क्वालिटी समझ में आती है अगर फैब्रिक अच्छा नहीं होगा तो फाइनली जो आप अपैरल बनाओगे जो आप ड्रेस बनाओगे वो भी अच्छा नहीं होगा ठीक है तो रॉ मटेरियल जो होता है किसी भी ड्रेस का वो ज़्यादा महंगा होता है ठीक है रॉ मटेरियल पे लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं लगभग किसी भी अपैरल का किसी भी गारमेंट का सेवेंटी परसेंट कहाँ जाता है रॉ मटेरियल पे जाता है ठीक है आउट ऑफ विच नाइन्टी परसेंट और अबव इज़ दैट ऑफ फैब्रिक देखो आपको पता है कि कपड़े के अलावा फैब्रिक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्रेस को बनाने में ज़रूरी होती हैं जिसमें जिप हो गई आपकी आपके लेसेस हो गए थ्रेड्स हो गए अलग से कोई आप एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर करा रहे हो तो क्या होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं खाली अगर आप फैब्रिक से सोचोगे कि आप ड्रेस बना लो तो ऐसा नहीं होता है लेकिन जो कीमत है उसका आप जो मतलब एक ड्रेस पे जो मान लो कीमत खर्च करते हो मान लो सौ रुपये आपने अपने ड्रेस पे खर्च किए तो उसका सेवेंटी परसेंट आप किस पे खर्च करते हो मतलब सौ में से सत्तर रुपये का आप खाली रॉ मटेरियल ख़रीदते हो तो इस सत्तर रुपये में खाली आपने फैब्रिक ही नहीं ख़रीदा है इसका नाइन्टी परसेंट फैब्रिक होता है लेकिन बाकी जो इसका टेन परसेंट होता है उससे आप क्या ख़रीदते हो उससे आप बाकी के भी चीज़ें खरीदते हो जैसे जिप हो गया लेसेस हो गए और भी थ्रेड वगैरह हो गए ठीक है जो आपको अलग से फैब्रिक के अलावा ज़रूरी हैं ड्रेस बनाने में ठीक है लेकिन ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कीमत खर्च होती है वो किस पे होती है फैब्रिक पे ही होती है केस दिस प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली कॉस्ट फैक्टर ऑफ द फैब्रिक कंपोनेंट इन the garment वुड increase लीडिंग to लेस प्रॉफिट्स एंड इन सम केसेस लॉसेस ab देखो होता क्या है कि अगर ये प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ मतलब आपका जो फैब्रिक इंस्पेक्शन है आपने अच्छे से नहीं किया फैब्रिक अगर आपने अच्छा नहीं खरीदा तो बाकी चीज़ें अच्छी होके खराब हो के भी ख़राब हो जाएंगी ठीक है लेस आपके पास बहुत अच्छा है आपके पास धागे बहुत अच्छे हैं आपने बहुत अच्छे से उसको सिलवा लिया सब कर लिया लेकिन वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा अगर फैब्रिक अच्छा नहीं है तो और उस समय आपको फायदे की जगह पे क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं जिसमें सबसे पहला है ई e ठीक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग।